जितने भी नौजवान बुजुर्ग आदमी यहाँ पर आए हुए हैं, सभी को हमारी तरफ से, इस पार्टी की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम है। आज बाबा जी की 35वीं बरसी है, हर साल कार्यक्रम करवाया जाता है। आशा करते हैं सभी भाई शांति का दान देंगे, शांति उड़े आओगी जरा आप बैठे रहोगे। और भाई बोलिए बाबा सोमनाथ महाराज की। बहुत अच्छी बात है। और भाई नंबर 10 आया है गाना है उन खान खान लगते आने। हाँ हाँ आना पड़ेगा। ये तो हमारी हरियाणी का गाना बजाना है, इसमें कई डाल के रूल होंगे। और भाई भाईचारा सारा का सारा अड़ाव है, हमने भी एक बड़ा सा पीरा लग तुम भजना पड़े ना। आजकल के वे सिस्टम चल रहे हैं, गाने तुमने सुने होंगे, इसे कसूते गाने बना दिए मारे आड़ा ने, ये बम्बी आड़ा में तो उन तो भी फालतू हो गए, उन तो फालतू नहीं हो गए, मारे गाने के लिए बातें सारा रोड़ा पतली कमर का गाल में पटोला, ये गाने शब्द ये न्यारे आ गए। एक ही हमने बेरा नहीं था पटोला के, वो है ही बेरा लग गया। अरे को रे आका जे मेरे साड़ा ने पाया पीतल तार दूंगा, ईसा यू गाना बजाओ और गुरचड़ी का ऊपर और अगले कहना घर कहना नाचर उसका ना नो सारा कहने कह दिए रोले का काम अपना हो गया। तो ईसा ईसा सिस्टम बना दिया। पंडित जी महाराज की जो कविताई थी वह नेरे डाल की थी। आजकल एक काम और कसूता बांध रखा है, इस इलेक्शन का ऐसा काम हो गया बांश के दिए सरपंच का जो न्योता एक बजे अगर फिर उल्टा हटाया, इसमें बड़ी खतरनाक चीज हो रही। मार एक गांव में इसे भाई ने ठान जा, 10 आदमी जाकर उसने रोज ठाखड़े था भाई तरफ वोट बहुत गणी चढ़े और वो उसने तैयार कराया हुए होमरा बटा खड़ा हो जा प्रसाद प्रसूद बांट दे। सांझ ने फिर 10 जने चले जा भाई बैठ जा तेरा वोट चढ़ती नहीं है, ओ फिर बैठ जा, 2-3 बार खड़ा कर दिया, 2-3 बार बिठा दिया, तड़के तड़को बहने आ गए मुंह के नो सोच में बैठा रे एक भाई घूमन जा। वो उसके न्यू कर ना गया रहे भाई तू खड़ा है बैठा है तेरा सा है, ओ बेचारा बोला भाई बात इसी है ना तो मैं खड़ा ना मैं बैठा इस गांव ने कोडा कर गया क्या इसे इसे काम बने रहे यो करो यो यो ऐसा करना ना यो यो क्या करना था एक भजन आप लोगों के बीच में आगे पसंद है। कैसे पंडित जी ने इस भजन के अंदर दर्शाया भाई पीछा जमाना बहुत बुरा काम हो गया, जिसने देखा स्वार्थ में भरा सब कुछ। इस भजन के अंदर पंडित जी ने क्या दर्शाया है क्या बता
सत्य जगत के मन को अज्ञान रूपी मल हो गया। भाई बेई मन में मगन रहते गांठ गांठ मच्छल हो गया। समझ ना सकते जी ने। ये मेरे बड़े भाई साहब शिव कुमार जी हमारे संत चरणों में से फैन नहीं है, चाम डोबोल वाला फैन नहीं, बहुत बढ़िया मित्र हमारे, 500 रुपए से मान सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा सोमनाथ की गा तो बहुत बढ़िया बोनी हुई है, अराड़े दिन में मौत माची रहा आगरे। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सभी पंडित जियों का, सभी भाइयों का धन्यवाद। पहली कली में नवयारा ईसा समय है, कैसे सुत को कहते ये मेरे चरण का काश नहीं। वीर मर्द ने कमा के खबा के पेट भरण की आस नहीं। और प्यारा बनके दगा कमा जा नौकर का विश्वास नहीं। छोटे बेटे बैजनाथ शर्मा जी और उनके बेटे उनका पोता चिनू शर्मा जी 500 रुपए से मान सम्मान करते हैं। शर्मा जीओं का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद। और कैसे दूसरी कली में भला वर्षा करता जल बिन सुने काल पड़े। बावन ब्रह्म होए ब्रह्म ज्ञानी वेद धर्म के ख्याल पड़े। रजशील गवद के बारे में लोको 12 साल तक काल पड़े। इस काल का मतलब कमगन खाते हो गया। नहीं मने मैं
भाई शक्षाकल व्याकरण ज्योति शक्षाकल व्याकरण ज्योति निरपत छन की जाने नहीं श्रुति स्मृति महाभारत में समझे ठारा पुराण नहीं वेद शास्त्र उपनिषदों के ज्ञान की कोई पहचान नहीं अरब बड़े लिखे बन मात पिता गुरु छोटे बड़े की कान नहीं जब भी कोई कथा शुरू करया करते उसमें सबसे पहले भजन का आवरण था और यहाँ से भी कथा शुरू होती है। शास्त्री कली से भी यहाँ से कथा का आरंभ होता है। आखिरी दो लाइना में पूरा का पूरा विवरण दे दिया कैसे बोला Thank you.